आज हम बनाएंगे इस तरह का फूल जिसे हम स्वेटर, टोपी और कार्डिगन पे टांग सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 10 नंबर की नीडल और ऊन, दो कलर का, या आप चाहे तो एक कलर से भी बना सकते हैं, और कुछ मोती। अगर आपके पास मोती नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम 10 नंबर की सलाई पे 15 फंदे डालेंगे इस तरह से। इसके लिए हम दो सलाई उल्टी बुनेंगे, चार सलाई उल्टी बुनेंगे। अभी हमने चार सलाई उल्टी बुन के तैयार कर ली है। अब हम दूसरे कलर के धागे को इसमें लगाएंगे। इसके लिए हम इसमें से बांध लेंगे। सलाई को कंप्लीट करेंगे। अब हम इन फंदों को पांच भागों में डिवाइड कर लेंगे। हर तीन फंदों पे हम एक जाली डालेंगे और ये पांच पंखुड़ियों पे इस डिज़ाइन को हम तैयार करेंगे। इसके लिए हम पहले फंदे को इसे बुनेंगे और जाली बनाएंगे। फंदा आगे ही रहेगा और ऊन आगे ही रहेगा, और इस तरह से ऐसे लेते हुए हम एक जाली बनाएंगे, फिर धागे को आगे करेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर फंदा, एक फंदा बुनेंगे, फिर जाली बनाएंगे, फिर उनको आगे करेंगे, एक फंदा बुनेंगे और एक जाली बनाएंगे, एक फंदा बुनेंगे और एक जाली बनाएंगे। पीछे की पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम आगे की सिलाई को फिर स्टार्ट करेंगे। इसके लिए दो फंदे उल्टे बुनेंगे और उनको आगे ही रहने देंगे, और इसके बाद हम इस तरह से जाली बनाएंगे और तीन फंदों को बुन लेंगे उल्टा। इसके बाद फिर हम जाली बनाएंगे इस तरह से, फिर हम तीन फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब हम पीछे की सलाई को इसी तरह से उल्टा ही पूरा बुन लेंगे।
इस तरह से हम तीन जाली बनाएंगे, एक दो तीन। अब हम फंदों को डिवाइड करेंगे एक एक पेटल के लिए। इसके लिए हम इस बीच की जो चोटी है इसे जितने फंदे इधर रहेंगे और उतने ही हम इधर से भी बुनेंगे। तो इसके इधर चार फंदे हैं, एक दो तीन चार, और ये सेंटर का है, फिर एक दो तीन चार। अब इन फंदों को हम बुनेंगे। जाली वैसे ही रहेगी, जाली पे हम जाली बनाएंगे। जाली पे हम जाली बनाएंगे। जाली बनाने के लिए हम इस ऊन को आगे रखेंगे और इस फंदे में इस तरह से बांधते हुए इसे करेंगे और इसको आगे करेंगे, फिर हमें इसी तरह से बनाएंगे और तीन फंदे बुन लेंगे, एक दो तीन। अब इनको हम इसी तरह से बुनेंगे। पीछे की सलाई यहाँ से हम उलट लेंगे और पीछे की सलाई हम पूरी की पूरी उल्टी बुनेंगे, तब ये हमारा एक अलग पेटल तैयार होगा। इसी तरह से बुनते हुए हम चार जाली बनाएंगे और इसके बाद फिर फंदों को घटाना शुरू करेंगे। इसी तरह हम चार जाली बनाएंगे और तीन जाली पहले की है तो कुल मिला के सात जाली हो जाएगी। फिर उसके बाद तब हम फंदों को घटाएंगे जिससे एक पेटल बनेगा। इस तरह से हमने सात जाली बना ली है, देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ और सात। सात जाली बनाने के बाद अब हम फंदों को कम करेंगे। इसके लिए हम एक शुरू से दो फंदों को एक करेंगे और इस पूरी सिलाई को हम इसी तरह से बुन लेंगे सीधा। इस तरह से हम इसको उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। फिर हम पीछे से बुनेंगे। इसके लिए भी हम इन दो फंदों को एक करके बुनेंगे और बाकी फंदों को ऐसे ही बुन लेंगे। इसी तरह हम दोनों साइड से जब तक कि एक फंदा ना रह जाए हम कम करते हुए बुनेंगे। इसी तरह से हम दोनों साइड से एक एक फंदे कम करते हुए इस तरह से बना लेंगे। डाई में पहले ही एक एक कम करेंगे। इसमें से ऊन को निकालते हुए इस तरह से हम गांठ लगाते हुए धागे को काट लेंगे और धागे को दूसरे पेटल के लिए हम धागे को इसमें से इस तरह से जॉइन कर लेंगे। उसी तरह हम बनाते हुए पांचों पेटल को तैयार करेंगे। ये हमारा फूल बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसको बांधेंगे। इसको पलट के अपोजिट साइड से एक गांठ लगा लेंगे।
और हम इनको बचे हुए ऊन को इस तरह से निकालेंगे पीछे की साइड, इन सबको हम निकालेंगे। इस तरह से हम सारे बचे हुए ऊन को इस तरह से पीछे से निकाल लेंगे। फूल को हमने बांध के तैयार कर लिया है। अब इसमें हम सुई और ऊन की सहायता से इसमें हम स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से ऊन को निकालते हुए इस जाली में से ले जाएंगे और यहाँ से निकालते हुए इस तरह से कढ़ाई करते हुए हम फिर इन धागों को इस तरह से बांध लेंगे। और एक गांठ लगा लेंगे। इस तरह से हम सारे पेटल में कढ़ाई करेंगे। कढ़ाई करने के बाद अब हम इसमें बीड्स टाकेंगे। इसके लिए हम बीड्स लिए, अगर आपके पास बीड्स नहीं है तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। बीड्स को टाकने के लिए हम इधर से इस तरह से धागे को बांध लेंगे। धागे को काट लेंगे। इसी तरह हम सारे बीड्स को टाक लेंगे। अब इसे हम इस तरह से मोड़ते हुए इसे सिल लेंगे। इसी तरह हम सभी को मोड़ के सिल लेंगे। इस धागे को काट के पीछे गांठ लगा लेंगे। इस तरह से हम इसे पीछे बांध लेंगे। इस तरह से ये सही से गांठ नहीं लगी है तो हम इसको निकाल लेंगे। और फिर से गांठ लगा लेंगे। इस तरह से गांठ लगाएं। ये जो लगी है ये सही से नहीं लगी, हम इसको काट के निकाल के फिर से गांठ लगाएंगे।
अब हम इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक एक गांठ लगा लेंगे, इसको इसको, यहाँ से यहाँ से ऐसे करके, यहाँ पे भी हम एक गांठ लगा लेंगे, गांठ लगा लेंगे तभी हमारा आपस में जुड़ जाएगा। इसी तरह हम सभी को गांठ लगाएंगे और यहाँ पे आप चाहें तो, अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी बीड्स रख के टाँग सकते हैं, यहाँ पे भी इस तरह से, या फिर नहीं, अगर आपके पास छोटी वाली बीड्स है तो आप इस तरह से इसके किनारे पे लगाते हुए टाँग सकते हैं। इसका फूल रेडी हो चुका है। अगर आप इसमें पत्ती लगाना चाहते हैं तो सिर्फ दो पेटल तैयार करके आप इस तरह से इसमें पट्टी को अटैच कर सकते हैं। अभी हमारा फूल बनके रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इसे किसी भी स्वेटर, टोपी, कार्डिगन में टांग सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक